गाइज, एक इफेक्टिव इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेज पता होना चाहिए। और यहाँ इस चैनल पर मैं हर सैटरडे को आपके लिए लेके आता हूँ 10 इडियम और फ्रेजेज, जिनका इंग्लिश स्पीकिंग से लगाकर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 इडियम्स और उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हिंदी में वो इडियम क्या होते हैं, इंग्लिश में उन्हें किस तरह से बोला जा सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। हमेशा की तरह मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए 10 नए इडियम। तो देख लेते हैं बिना किसी देर के आज के 10 इडियम कौन से हैं। देखिए, आज का पहला इडियम है, ये खूब सुना होगा आपने, भैंस के आगे बीन बजे भैंस खड़ी पगुराए। ये कब कहा जाता है? ये उस कंडीशन में कहा जाता है कि किसी से कुछ कह रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी सुनता नहीं। इस कंडीशन में कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजे भैंस खड़ी पगुराए। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश इडियम, हनी इज नॉट मीन्ट फॉर मंकीज माउथ। हनी इज नॉट मीन्ट फॉर मंकीज माउथ, मतलब शहद मंकी बंदर के लिए नहीं बनाए। मतलब किसी से कह रहे हैं, ना समझ व्यक्ति से उससे कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो बातें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक उसी तरह से शहद मंकी के लिए नहीं बनाया है, तो सेंस सेम वही है, हनी इज नॉट मीन्ड फॉर मंकीज माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुत बिना सुना गेह। इस बात का मतलब है कि पुत्र के बिना, संतान के बिना घर सूना लगता है। इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है हेल इज द होम विदाउट अ सन। हेल इज द होम विदाउट द सन। हेल इज द होम विदाउट अ सन, पुत्र के बिना सूना गेह या सुत बिना सूना गेह। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी इज्जत अपने हाथ। ये भी कई बार हमें कहने की ज़रूरत पड़ती है और कहीं भी पूछा जा सकता है, आप कहीं भी कुछ लिखने जा रहे हैं वहाँ पर ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। अपनी इज्जत अपने हाथ, इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है ऑनर योर सेल्फ, ऑनर योर सेल्फ एंड यू विल बी ऑनर्ड। ऑनर योर सेल्फ एंड यू विल बी ऑनर्ड, अपने आप की इज्जत करें तो आपका सम्मान होगा, मतलब आपकी इज्जत आपके ही हाथ में है, सेम वही सेंस है। नेक्स्ट है, आशा पर संसार टिका है, मतलब उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आशा पर संसार टिका है। इस बात को इंग्लिश में कहा जाता है होप सस्टेंस द वर्ल्ड। होप सस्टेंस द वर्ल्ड, आशा पर संसार टिका है। अब देखिए नेक्स्ट इडियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये तो इंग्लिश में भी अधिकतर लोगों को पता होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आज का अगला इडियम देखेंगे, अगला इडियम है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, बात का मतलब है कि एक स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत सारे नियम अपनाने पड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। नियामत मतलब नियम। अब यहाँ पर इसका इंग्लिश इडियम होगा हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। नेक्स्ट इडियम है काम प्यारा है चाहे प्यारी नहीं। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, मतलब अच्छा वही है, सुंदर वही माना जाता है, हैंडसम वही माना जाता है जो अच्छा कार्य करता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, और इसे हिंदी में कहा जाता है काम प्यारा है चाय प्यारी नहीं। सिंप्लीफाई किया जाए तो कहा जाता है अच्छा वही होता है जो अच्छा काम करता है। अब आते हैं
नेक्स्ट इडियम की तरफ, नेक्स्ट इडियम है चित भी मेरी पट भी मेरी। ये कहा जाता है अक्सर कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम कहीं भी हाथ डालें, कुछ भी करें तो चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर चीज़ से लाभ ही होने वाला है उस कंडीशन में। कहा जाता है चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर कंडीशन में चाहे चित आए या पट आए मुझे तो फ़ायदा ही होने वाला है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस। देखो यहाँ पर भी क्लियरली पता पड़ रहा है हेड्स आई विन मतलब हेड आया चित आई तो मैं जीता, और टेल्स यू लॉस पट आई तो तुम हारे। बात वही है, तुम हारे पर टेल्स आने पर तो भी वही बात है, और हेड्स आने पर मैं जीत रहा हूँ तो भी वही बात है। तो सीधी सीधी अब बात है चित भी मेरी पट भी मेरी। अब यहाँ पर इसे नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ेंगे आगे। अगला है पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेल्थ इज ग्रेट ब्लेसिंग, हेल्थ इज ग्रेट ब्लेसिंग मतलब पहला सुख निरोगी काया। नेक्स्ट है अक्सर कहा जाता है ये मुंह और मसूर की दाल। कब कहा जाता है, ये उन कंडीशन में कहा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति है जिसकी हैसियत नहीं है किसी चीज़ की, और वो उसका सपना देख रहा है, उस चीज़ की सोच रहा है, उस चीज़ की चाह रख रहा है, उस कंडीशन में कहा जाता है ये मुंह और मसूर की दाल। अब ये तो पता नहीं यहाँ पर मसूर की दाल ही क्यों यूज़ की जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हनी इज़ नॉट मींट, हनी इज नॉट फॉर डंकीज माउथ, हनी इज नॉट फॉर डंकीज माउथ मतलब शहद गधे के मुंह के लिए नहीं बनाया है, गधे को खिलाने के लिए शहद नहीं बनाया है, इंसान खाते हैं शहद को। तो ठीक उसी तरह से यहाँ है ये मुंह और मसूर की दाल, हनी इज नॉट फॉर डंकीज माउथ। तो ये थे आज के 10 idiom। ये idioms आपको कैसे लगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये idiom आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।